समर स्लैम के अंदर जॉन सीना एंड रोमन रेंस का आमना सामना होने वाला है। और भाई क्या इस मैच के अंदर क्या कोई टाइटल चेंज होने वाला है या फिर नहीं, इसके ऊपर एक ब्रांड न्यू अपडेट आ चुकी है। और भाई इस अपडेट का मान है कि जी हाँ, हमें इस मैच में एक न्यू यूनिवर्सल चैंपियन क्राउन होते हुए दिखा देने वाले। तो भाई इस पूरी अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले, क्या कुछ चीजें हो सकती समर स्लैम में। और भाई ब्रॉक लेसनर भी है बेस्ट इन द वर्ल्ड रेसलर, तो भाई किस सुपरस्टार ने कहा है इसके बारे में बात होगी। और भाई गोल्डबर्ग का भी WWE कॉन्ट्रैक्ट भी होने वाला है बहुत ही जल्द खत्म। तो भाई बड़ी बातें होने वाली वीडियो में, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप लोग जो लास्ट तक जरूर देखना। और भाई चैनल पर नहीं तो गाइस आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को देर नहीं करते। सबसे पहले NXT के रेटिंग्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। शो NXT का गो होम एडिशन बिफोर था गाइस टेक ओवर, और भाई काफी अच्छी ब्रॉल थी समूह जो है कैरिंग क्रॉस की। और भाई शो को ओवरनाइट फायदा नहीं बल्कि थोड़ा जो इस बार जो है नीचे मतलब नीचे रेटिंग्स आई है, जो कि ये 6,54,000 के रेटिंग्स मतलब 6.54 के रेटिंग्स, और ये पिछले हफ्ते के मुकाबले से कम है। बट शो काफ़ी अच्छा था, कैरिंग क्रॉस एंड समोआ जो कि ब्रॉल काफ़ी अच्छी थी, एले नाइट थे। और भाई शो के ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखा दी, और भाई शो के ऊपर अपने वॉल्टर भी आए थे, और भाई टेड डिबियास वगैरह सारी चीज़ें अच्छी थी। लेकिन ओवरनाइट जो शो था वो काफ़ी अच्छा गया था, और भाई ओवरनाइट जो नंबर्स थे वो फिलहाल इतने, और भाई जो ओवरनाइट ट्रेनिंग्स है वो अभी फिलहाल है NXT की 5K के आसपास। तो भाई ये फिलहाल NXT की रेटिंग्स थी जो कि मुझे लगा आपको और जाननी चाहिए। और भाई नेक्स्ट गाइस हम लोग बात कर लेते हैं अपने गोल्डबर्ग के बारे में, जिनका WWE का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है जल्द ओवर। तो भाई देखो गोल्डबर्ग के साल के अंदर 2 मैचेस होते हैं, पहला मैच उन्होंने गोल्डबर्ग ने ड्रू मैकइंटायर के साथ रेसल किया, अब करने वाले बॉब लैशली के साथ। तो देखो उनके फिलहाल उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 ही अभी फिलहाल मैचेस थे इसके बाद, और वो 2 मैचेस रेसल करेंगे, और भाई उसके बाद गोल्डबर्ग का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा WWE के साथ ऑफिशियली खत्म। और भाई उसके बाद में भी वो मुझे न्यू कॉन्ट्रैक्ट या फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते हुए दिखा दे सकते हैं। देखना पड़ेगा क्या गोल्डबर्ग को WWE नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है या फिर नहीं, और भाई क्या गोल्डबर्ग उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है या फिर नहीं। और भाई मे भी अगले साल के अंदर, अगले साल के एंडिंग के अंदर मुझे गोल्डबर्ग इसी कंपनी के अंदर दिखा दे सकते हैं। अगर वो WWE चैंपियन नहीं होते, अगर वो चैंपियन होते तो भाई उनको और भी 2 मैचेस रेसल करने पड़ेंगे। और भाई इसके अलावा तो हम ये मान सकते हैं कि जो गोल्डबर्ग का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर फिलहाल जो है कुल मिलाकर 3 मैचेस हो चुकी है समर स्लैम के बाद, और 2 होने वाले। तो भाई देख लेते हैं और भाई क्या गोल्डबर्ग रिसाइन करते या फिर नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। और भाई क्या वो AEW के अंदर जाते या फिर ये भी एक इंटरेस्टिंग बात होगी। नेक्स्ट गाइस ब्रॉक लेसनर की बात कर लेते हैं, और भाई ब्रॉक लेसनर है बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड। तो भाई ये किस सुपरस्टार ने कहा है, तो भाई देखो ये किसी सुपरस्टार ने नहीं कहा है, ये कहा है अपने गाइस करंटली NXT के चैंपियन यानी कि अपने वॉल्टर ने। और भाई वॉल्टर का एक इंटरव्यू होता है, और भाई वॉल्टर इस इंटरव्यू के अंदर एक बात रिवील करते, देखो ब्रॉक लेसनर पूरे प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर, प्रो रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा सुपरस्टार मेरी नज़र में है, मुझे ऐसा सुपरस्टार दिखता है कि जो कि पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर बेस्ट है। और भाई वो है बेस्ट इन द वर्ल्ड रेसलर, जो कि बेस्ट रेसलर है पूरे WWE के अंदर। तो भाई ये फिलहाल कुछ बड़ी बातें कहते हैं अपने ब्रॉक लेसनर के रिगार्डिंग वॉल्टर, और भाई वॉल्टर के हिसाब से जो ब्रॉक लेसनर है वो है WWE के बेस्ट रेसलर। तो भाई आपको ये लगता है क्या ब्रॉक लेसनर है वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर या फिर नहीं, आपको ये लगता है आप मुझे कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हो। लेकिन भाई ब्रॉक लेसनर जल्दी आने चाहिए भाई। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं समर स्लैम के बारे में, जिसके अंदर गाइस होने वाले हैं मल्टीपल टाइटल चेंजेस। जी हाँ गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, और WWE प्लान कर रही है गाइस समर स्लैम 2000 किसके अंदर चैंपियनशिप जो है बहुत हाथ बदलने वाले। और भाई मेन हमें मल्टीपल चैंपियनशिप जो है चेंज होते हुए दिखा दे सकते हैं, सब लाल अपडेट का मान है। और भाई मे भी हमें समर स्लैम के अंदर बहुत नए चैंपियंस क्राउन होते हुए दिखा दे सकते हैं। क्या पता ये रॉ टैग टीम चैंपियंस हो, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन हो, WWE चैंपियनशिप हो या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और भाई क्या रॉ एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप हो सकती है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप है। आपको ये लगता है कौन सी चैंपियनशिप हाथ बदलने वाली है अपना समर स्लैम के अंदर, आपको ये लगता है कौन होगा ब्रांड न्यू चैंपियन, आप मुझे आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। और भाई आपके हिसाब से कौन हो सकता है इस बार नए चैंपियन समर स्लैम के अंदर क्राउन, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हो। लेकिन गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं समर स्लैम 2000 किसके मेगा मैच के बारे में, जो कि टाइटल चेंज हो सकता है, जो कि है रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना के मैच के बारे में। और भाई क्या कह रहे हैं फिलहाल इसके स्पॉयलर्स, क्या कह रहे हैं इसके सारे थीम पर देखो। फिलहाल रोमन रेंस एंड जॉन सीना का मैच होने वाला है समर स्लैम में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और भाई इस मैच के अंदर जो फिलहाल अभी फिलहाल जो स्पॉयलर्स बताए जा रहे हैं वो है गाइस जॉन सीना के साथ। और भाई जॉन सीना हमें न्यू यूनिवर्सल चैंपियन क्राउन होते हुए दिखा देने वाले हैं इस बार बिगेस्ट पार्टी ऑफ समर यानी कि समर स्लैम 2021 के अंदर। और भाई ये फिलहाल नई अपडेट आ चुकी कि भाई अपने जो जॉन सीना है वो हमें इस साल में जो है इस समर स्लैम के अंदर
है यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए दिखा देने वाले। और भाई बहुत बड़ी अपडेट है, और भाई हमने जॉन सीना हमें इस बार समर स्लैम के अंदर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन होते हुए दिखा दे सकती है। फिलहाल स्पॉयलर्स का मान है, और भाई देख लेते क्या स्पॉयलर से गलत साबित होते या फिर सच। और भाई क्या जॉन सीना अपने 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते या फिर नहीं, आपको लगता है क्या जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं, आपके हिसाब से क्या कुछ हो सकती है पूरी थिंग आप मुझे कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हो। लेकिन गाइस आज की हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक थी गाइस। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल कौन ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज की वीडियो बस इतनी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।